हलो आइज़ भूतान किंग्स आरज इन इंडिया एस जयशंकर वेलकम सिम एट दिल्ली एयरपोर्ट भूटान के राजा इंडिया आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जहाँ पे एस जयशंकर ने उनको वेलकम किया है तो ये फ़ोटो है एस जयशंकर और भूटान के राजा की तो भूटानिस किंग जिगम खेसर नाग महल वांग चक ने अपने दो दिन की ट्रिप किया इंडिया में जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर और जो किंग होंगे ये बात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ट्यूजडे को और एक ट्वीट किया गया है ऑफ़िसर द्वारा जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने वॉन वेलकम टू इंडिया योर मजस्टी हीज मजस्टी द किंग ऑफ भूटान जेगमे खेसर नागमयाल वांगच चक आर आइविन इंडिया असॉर्ट वाइल एज एगो हीज मजस्टी वॉज रिसीव्ड बाई एम डॉक्टर जयशंकर एट द एयरपोर्ट तो उनके कहने का मतलब है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट भी भूटान के राजा आ चुके हैं और भूटान जो है रणनीतिक तौर पर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और इसके जो डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज है दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं पिछले सालों में और जो स्ट्रैटेजिक टाइज है विटनेस के अपवर्ड अपोट्रेजेक्ट्री पिछले कुछ सालों में बैकड्रॉप था सेवेंटी थ्री डेज वेज ऑफ बिटवीन इंडिया और चाइनीज ट्रूप इन डोकलाम जंक्शन एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन तो गाय डोकलाम विवाद आपको याद होगा जहाँ पे इंडिया और चाइना आपस में आ गए थे आमने सामने भिड़ गए थे और भूटान ने इंडिया को मदद के लिए बुलाया था इसलिए इंडिया ने अपने सेना को भेजा था डोकलाम में और जो डोकलाम प्लेट्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए और स्टैंड ऑफ एट डुकलाम ट्राई जंक्शन 2017 बिगन हुआ जब चाइना ने ट्राई किया अपने रोड को बढ़ाने के लिए एरिया में जो भूटान ने क्लेम किया था वो बिलोंग करता है तो भूटान ने कहा था कि चाइना हमारे रोड पर कब्जा कर रहा है इसलिए उसने इंडिया से मदद मांगी थी और इंडिया ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा था और इंडिया के लिए उसने अपोज़ किया, किया कंस्ट्रक्शन का क्योंकि ये इम्पैक्ट कर देगा ओवरऑल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को तो जो चाइना है वो रोड बना रहा है भूटान में के पास जो कि भूटान के रोड को भी लेना चाहता था अपने कब्जे कब्जे में और इंडिया ने इसका कड़े तौर पे आप सोच क्या है जिसमें इंडियन चाइना फेस ऑफ जो था रिसॉल्व हुआ था सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद अक्टूबर 2021 में भूटान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था थ्री स्टेप रोड मैप को जो कि एक्सपर्टाइज कर देगा निगोशिएशन को रिसॉल्व करने के लिए आपने फैसरिंग बॉडी डिस्प्यूट को भूटान ने शेयर किया है चार किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर चाइना के साथ और जो दोनों कंट्रीज हैं इन्होंने 24 राउंड से ज़्यादा बात की है रिसॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट को यानी 24 राउंड से ज़्यादा बात होती है और हम लोग भी जानते हैं भाई ये बात ज़्यादा कुछ करती नहीं है आपस में वही होता है कि भाई कुछ नहीं हुआ अब चलो बाय बाय टाटा बाय बाय तो जो किंग ऑफ भूतान है उन्होंने ट्रांज़िट विज़िट किया है दिल्ली में सप्टेम्बर लास्ट ईयर तो पिछले साल भी ये आए थे और इंडिया ने अपने भूटान के देश को कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक में अलग अलग वैक्सीन्स भेजी थी जिसने और इंडिया जो था पहला देश था जिसने भूटान की मदद की थी इंडिया ने अपने असटेंट्स भेजे थे भूटान में इंप्लीमेंट करने के लिए सक्सेसिव फाइव ईयर प्लान नाइनटीन से नाइनटीन से भूटान जो है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंडिया ने भूटान की बहुत मदद की नाइनटीन सिक्सटी वन के शुरुआत से इंडिया असटेंस जो था भूटान एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो कि चार हजार पाँच सौ करोड़ का था वेरियस मल्टी सेक्टर स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट तो इंडिया भाई वहाँ के डेवलपमेंट करवा रहा है और जिसमें सिग्निफेंट कोऑपरेशन हुआ है दोनों साइड्स में एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तो हम लोग जानते हैं भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है पानी की मदद से और जो इंडिया है ये भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है जो बिजनेस करता है और रिमार्क क्या लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान भूटान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है इंडिया ने नवंबर इक्कीस में जो नो इंडिया ने फॉर्मलाइज किया था ओपनिंग सेवन न्यू ट्रेड रूट्स तो सात नए रास्ते भाई इंडिया बिल्ड कर चुका है भूटान में बायोलिटरल और ट्रांजिट ट्रेड के लिए इंडिया के साथ और जो नए टारगेट हैं वो प्रोवाइड किया गया है फॉलोइंग फॉर्मल एक्सपोर्ट ऑफ ट्वेल्व एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम भूटान टू इंडिया तो भूटान से भी इंडिया में भाई अलग अलग सामान आता है जिसमें बारह जो एग्रीकल्चर के काम आता है, खेता खेती के वो भी आते हैं और गाइस, गाइस, गाइस तब तक के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय